आपको बताएं कि काबुल में वजारत दाखिला दफ्तर के करीब कार बम धमाके से 7 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जिनमें से बास की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। का अफगान दारुल हुकूमत के वजारत दाखिला के दफ्तर के सामने हुआ। धमाके की इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंच गई। धमाके से 7 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जिनमें से बाज जख्मियों की हालत तश्वीशनाक है। धमाके से मुतअद्दिद गाड़ियां भी तबाह हो गईं। अफगान हुकाम का कहना है कि धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। धमाका अफगान हुकूमत की जानिब से अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर की रिहाई के बदले तालिबान रहनुमाओं की रिहाई का रद्द अमल हो सकता है।